आई विल टेक योर क्वेरीज एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके यस बच्चे, टुडे वी विल डू माई एल्डर ब्रदर्स एंड तमन्ना. आई अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसिंग देयर स्कूल, बट एज यू नो बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक वी कांट गो टू स्कूल. ओके, कोरोना की वजह से बेटा हम स्कूल नहीं जा सकते ना, तो ये प्रॉब्लम है. ये हम सबकी सेफ्टी के लिए ही स्कूल बंद है बच्चे. और आप ये मत समझिए स्कूल बंद है तो पढ़ाई तो बंद नहीं है ना बच्चे, पढ़ाई तो सब सब्जेक्ट्स की हो रही है. आपको कोई भी इश्यू है पढ़ाई से रिलेटेड, आई नो ऑल स्टूडेंट्स आर मिसिंग देयर स्कूल प्ले ग्राउंड, देयर क्लासेस, देयर फ्रेंड्स, देयर टीचर्स, बट इट इज द टाइम ऑफ प्रॉब्लम राइट. और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. एक बार सब ठीक हो जाएगा स्कूल फिर से खुल जाएंगे, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट कि मैम स्कूल कब खुलेंगे. खुल जाएंगे ठीक है, हमारी सेहत के लिए ही ये सब किया गया है बेटा गवर्नमेंट की तरफ से, है ना. तनया मैम, साउंड इज नॉट क्लियर. बच्चे साउंड में किस किस को प्रॉब्लम है आप मुझे बता दीजिए. साउंड मेरा ठीक आ रहा है, एक सेकेंड रुकेंगे बच्चे. अब मेरा साउंड ओके है बच्चे, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है. ओके है, ओके ठीक है. चलिए बच्चे, ये चैप्टर बहुत लंबा है माय एल्डर ब्रदर, सो ये चैप्टर हम जल्दी से शुरू करते हैं. कोशिश करेंगे हम आज ही इसको खत्म कर ले, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर. अब बच्चे चैट सेक्शन में लिखना बंद करेंगे, अब चैप्टर को समझेंगे. स्टॉप राइटिंग. ओके थैंक यू, साउंड क्लियर है. ओके चलिए, तो ये पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ दो तीन बातें बताऊंगी और फिर मैं चैप्टर के बीच में इन बातों को पूछूंगी भी, ठीक है. तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये कहानी है. दिस इज द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, वन एल्डर ब्रदर एंड वन यंगर ब्रदर. यू नो व्हाट हैपेंड, हमारे घर में भी जब कोई बड़ा भाई हमें कुछ कहता है या बड़ी बहन कुछ कहती है, तो हमें लगता है ये हम क्यों बोल, मम्मी पापा डांट सकते हैं हमें, तो मम्मी पापा इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हमें, तो मम्मी पापा एडवाइस दे सकते हैं, भैया कैसे दे सकते हैं या दीदी कैसे दे सकती है, हमें तो खुद बहुत कुछ पता है. हमें सिर्फ मम्मी पापा एडवाइस दे सकते हैं, बड़े भाई बहन नहीं दे सकते. सो उसके लिए आप क्या करेंगे. रुम्पी राजकुमारी मैम, साउंड इज नॉट क्लियर. बेटा साउंड तो मेरी तरफ से मैंने अभी पूछा था, सब बच्चे ने ओके क्या है. एक बार आप एग्जिट करके दोबारा से हैंड फ्री लगाकर आप इस सेशन को लेंगे तो आपको वॉइस क्लियर होगा. स्टूडेंट का नाम शायद ये राजश्री राजकुमारी है मेरे ख्याल, है ना. तो आप वही करें बच्चे, ठीक है. तो आई वाज सेइंग कि ये स्टोरी है बड़े भाई की और छोटे भाई की, कि कैसे बड़ा भाई मेहनत करता रहता है और छोटा भाई मस्ती करता रहता है और वो खेलता रहता है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है वो बहुत मस्ती करता है और बड़ा भाई पढ़ता रहता है. बड़ा भाई हमेशा एडवाइस भी करता है अपने छोटे भाई को कि तुम ये मत करो, तुम खेल में मत लगो, तुम ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और जब तुम बड़े होगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, अगर अभी तुम अभी से तुम अपनी जो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए अभी से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो. बेस होता है रीडिंग, ठीक है. अगर आपको रीडिंग आ गई तो आप लर्निंग कर सकते हैं, है ना. अगर आपको मैथ्स का एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है, आपका बेस स्ट्रांग है तो आप मैथ्स में कुछ भी सीख सकते हैं. लेकिन अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्ट ही नहीं आता तो आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या आगे जो डिफिकल्ट सम्स आते हैं वो कैसे करेंगे. तो जो उसका एल्डर ब्रदर है वो कहता है कि हमें इतना पढ़ना चाहिए कि हमारी जो बेस है हर सब्जेक्ट का एकदम स्ट्रांग हो, एक दिन रात पढ़ता रहता है, ठीक है. चलिए मैंने आपको इस स्टोरी का थोड़ा सा आपको बता दिया समरी, अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं. सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके नाउ दिस इज द पीडीएफ ऑफ माय एल्डर ब्रदर. वी विल स्टार्ट दिस क्लास नाउ. ऑल द स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट प्लीज स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन. ओके बच्चे, नाउ अंडरस्टैंड द स्टोरी. दिस इज द स्टोरी ऑफ माय एल्डर ब्रदर.
द चैप्टर नेम इज माई एल्डर ब्रदर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर? एल्डर ब्रदर मीन्स हमसे बड़े जो भाई है घर में, ठीक है, हमारे घर का जो बड़े भैया हैं उनके बारे में ये कहानी है, बड़े भाई और छोटे भाई के बारे में. चलिए आगे शुरू करते हैं. दिस स्टोरी प्ले इज अबाउट टू ब्रदर हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये कहानी है दो भाइयों की, और दो भाइयों में जो आपस में एक दूसरे का वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, आपस में वो एक दूसरे से कैसे बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, उसके बारे में ये कहानी है. द स्टोरी इज ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम अवर डे टू डे एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. इस स्टोरी में हम एक चीज और समझेंगे कि हमारे डेली लाइफ के जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ में हमें शायद एक बुक से भी नहीं मिलते. कई बार छोटा सा हमें बहुत बड़ी सीख समझा जाता है, ऐसा होता है. कई बार एक छोटा सा बच्चा भी हमें कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, होता है ना ऐसा. लेकिन कई बार ये चीजें हमें बुक्स में पढ़ने को समझने को नहीं मिलती, और कई बार लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. नाउ दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. नाउ ये जो स्टोरी है, एक बहुत बड़े फेमस राइटर हैं, हिंदी के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी. वो इतने फेमस राइटर हैं कि उनकी एक स्टोरी थी बड़े भाई साहब हिंदी में, ठीक है. बड़े भाई साहब मतलब बड़ा, बड़े जो भाई होते हैं, बड़े जो आपके भी घर में बड़े भाई होते हैं, हिंदी में उन्हें बड़े भाई साहब या बड़े भैया कहते हैं. तनोया एंड उदीप. मैम साउंड इज नॉट क्लियर. बेटा साउंड क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा. चलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं हैंड फ्री को और ऊपर करके थोड़ा बोलूँ तो आपको आवाज आए. अब आ रही है बच्चे मेरी आवाज? एक बार मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे तनोया एंड उदीप. ओके ओके बच्चे, ठीक है, मैं ऐसे करके बात कर लेती, कोई दिक्कत नहीं. एक मिनट रुकेंगे बेटा, मैं साउंड का देख लूँ थोड़ा सा. अब मेरी वॉइस क्लियर है बच्चे? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है? ओके बच्चे, नो इश्यू. चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चे. चलिए शुरू करते हैं. माय एल्डर ब्रदर, तो मैं ये बता रही थी ये कहानी है, एक हिंदी के फेमस राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, और उनकी एक कहानी थी बड़े भाई साहब, हिंदी में उन्होंने लिखी थी, उसी को ट्रांसलेट किया गया है माय एल्डर ब्रदर में. और ये जो बहुत जो ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये हिंदी के बहुत ही बड़े फेमस राइटर थे. इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, और अब ये है नहीं इस दुनिया में, ठीक है. और उन्हीं की स्टोरी को ट्रांसलेट करके माय एल्डर ब्रदर हमारी 5th क्लास में इस चैप्टर को लिया गया है. चलिए ये दोनों भाई हैं, ठीक है. अब ये देखिए, ये एल्डर ब्रदर है, ही इज स्टडिंग टू हार्ड, एंड ही दिस इज ऑल हिज यंगर ब्रदर. व्हाट ही इज डूइंग? ही इज ड्रॉइंग, ही इज कलरिंग द पिक्चर. तो हिज एल्डर ब्रदर इज ऑलवेज एडवाइजेस हिम, देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन ड्रॉइंग एंड इन प्लेइंग. यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड स्टडी वेल, एंड यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग ओनली एंड वो फ्लाइंग काइट्स एंड इन ड्रॉइंग. तो जो उसका बड़ा भाई है वो हमेशा एडवाइस देता रहता है छोटे भाई को कि ये मत करो, ड्रॉइंग मत करो, काइट्स मत उड़ाओ, खेलो मत, सिर्फ पढ़ो. पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है. चलिए अब ये पहला सीन है, ठीक है. सीन होता है कि पहला जो हमारी आंखों के सामने एक सीन चल रहा है, सबसे पहला सीन जो है कहाँ का सीन है, जो हमारी आंखों की, जैसे हम स्टेज पे कोई प्ले देखते हैं तो प्ले में सबसे पहला जब पर्दा खुलता है, ठीक है, सो पर्दा खुलते ही सबसे पहले वो बता रहे हैं कि ये सीन है हॉस्टल का. अब हॉस्टल में दोनों भाई रहते हैं, ठीक है, बड़ा भैया और जो छोटा भैया है उसका नाम है मुन्ना, ठीक है. मुन्ना और जो उसका बड़ा भाई है वो एक हॉस्टल में, हाँ बच्चे स्पीकर म्यूट रखेंगे अपने,
अपना स्पीकर अनम्यूट ना करे कोई भी बच्चा, ठीक है। तो ये पहला जो सीन है ये हॉस्टल का है। दो भाई हैं, उनकी में एक जो छोटा भाई है उसकी एज है 9, बड़े वाले भाई की है एज 14। बेटा जिसपे मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने दिमाग में भी इस चीज को हाईलाइट रखेंगे, ठीक है। मैं एंड में इसके क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो पहला जो सीन है या पहला जो हमारी आंखों के सामने प्ले या सीन चलता है या एपिसोड आता है, सो थैंक यू तेजश्री, ये सीन मीन्स एपिसोड। सो अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एजेड 9 एंड 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। दो भाई हैं, एक है 9 साल का, 9 ईयर्स का, एक है 14 ईयर्स का। हॉस्टल का रूम है, दोनों पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल पर। द एल्डर ब्रदर, भैया इज रीडिंग अ बुक, जो बड़ा भाई है वो बुक पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। किसकी ड्राइंग बना रहा है वो, बर्ड्स और एनिमल्स। ओके, अब उन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन आपस में वो बातचीत करते। सीन बता दिया कहाँ का है, हॉस्टल के अपने उनके रूम का है। वो टेबल पे बैठे हैं स्टडी टेबल पे, भैया अपनी बुक्स पढ़ रहा है, छोटा भाई ड्राइंग कर रहा है। बड़ा भाई 14 ईयर्स का, छोटा भाई 9 ईयर्स। चलिए उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं देखिए। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, भैया ने क्या कहा, तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना ने जवाब दिया, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया ने फिर से पूछा, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ाई करोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह तुम कहाँ थे, तुम पढ़ाई करोगे। जो मुन्ना था वो डर गया, ही इज टर्निंग पेल। पेल मीन्स पीला हो जाना, जैसे हमसे कोई घबरा, हम घबरा जाते हैं एकदम से, हमारे चेहरे का रंग उतर जाता है। तो जो भैया है, जब भैया ने छोटे भाई से पूछा कि तुम सुबह कहाँ गए थे, कब पढ़ोगे तुम, तो जो भैया है वो थोड़ा सा डर गया। आई वॉज प्लेइंग, मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। मुन्ना ने अपने भाई से पूछा कि मैं खेलने गया था भैया, मैं खेल रहा था, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप इतने घंटे बुक्स के साथ एक साथ कैसे बैठे रहते हैं भैया। सो भैया ने जवाब दिया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं चाहता हूं कि मेरी जो पढ़ाई है उसमें मेरे फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स बेस, किसी चीज का बेस, किसी चीज का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बेस क्या होता है। अगर हमें घर बनाना है, ठीक है, तो घर में नीचे एक फाउंडेशन डलती है जिसकी वजह से पूरे पिलर्स, पूरा घर खड़ा होता है। तो अगर जब तक घर बनने के लिए वो पिलर्स नीचे से शुरुआत नहीं होंगे, जमीन खोद कर, तब तक पूरी बिल्डिंग तैयार ही नहीं हो सकती। अगर बिना जमीन के खोदे अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी नहीं रखेंगे, नीचे उसको स्ट्रॉन्ग मजबूती नहीं देंगे, तो घर क्या है वो गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम एक बैग में बहुत सारी बुक्स भर देंगे, बहुत सारी, और उसकी जो बद्दी है अगर टूट गई, उसकी जो स्ट्रिप है वो टूट गई, तो मतलब वो उसका वेट नहीं उठा पा रहा। तो जो भैया है उसने कहा कि मैं जो ये कर रहा हूँ ना, मैं अपनी पढ़ाई, मैं इसलिए ज्यादा पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी जो पढ़ाई है, मेरी पढ़ाई में मेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाए, मेरा जो बेस है इतना अच्छा हो जाए कि फिर मैं जब बड़ा होऊंगा तो पढ़ाई मुझे दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप 6 में चले जाएंगे, आपको यही नहीं पता एबीसीडी क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, वोवल क्या है, नेमिंग वर्ड क्या है या एडजेक्टिव क्या है, तो आपकी फाउंडेशन मतलब इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब आप सोचिए, जब आप फर्स्ट क्लास में आए थे, क्या आपको डायरेक्ट किसी ने पहले दिन ही नेमिंग वर्ड सिखाया था, नहीं, क्योंकि सबको पता था कि अभी तो आपको एबीसीडी भी नहीं आती, तो आप नेमिंग वर्ड कैसे समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट क्लास में टीचर रही होंगी, उन्होंने आपको एबीसीडी, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, फिर आपको फोनिक्स, फिर आपको कॉन्सोनेंट, फिर आपको वॉवल्स सब सिखाए। और फिर धीरे धीरे जब मैंने सेकंड में आपको पढ़ाया, फिर हम और आगे बढ़े, फिर थर्ड में हमने नेमिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड, प्रोनाउन, फिर हमने और भी चीजें सीखी, है ना। फिर हमने फोर्थ क्लास में प्रीपोजिशंस, धीरे 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 बहुत कुछ हमने सीखा। अब आप फिफ्थ क्लास में हैं, अब आपका फाउंडेशन और स्ट्रांग हो गया। क्या जो आपका फर्स्ट क्लास में फाउंडेशन था आपकी पढ़ाई का,
सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? क्या उसमें और अब में अंतर आया है ना आपके में, जो आपको फर्स्ट क्लास में आता था या जो आप फिफ्थ क्लास में आता है, दोनों में अंतर है या नहीं? दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है या नहीं? है, ऑफ कोर्स। तभी तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी जब आप ये सब चीजें ABCD सीखते हुए, फोनिक्स, कॉन्सोनेंट, वॉवल, नेमिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ये सीखते हुए जब सिक्स क्लास में आप जाएंगे तो आपकी आपका बेस स्ट्रांग होगा, तो आपको आगे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? फाउंडेशन मीन्स हमारा बेस बहुत अच्छा मजबूत होना। अब आपको फाउंडेशन मीन्स समझ में आया होगा। तो उसका भैया है जो, वो यही कह रहा है कि मैं पढ़ाई इसलिए करता रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। देखिए, मैंने अभी आपको बिल्डिंग का भी एग्जाम्पल दिया था कि जब तक बिल्डिंग का नीचे की जगह स्ट्रांग नहीं होगी, अगर ऊपर ही ऊपर हम घर खड़ा कर देंगे वो तो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। सिमिलर, अगर हम पढ़ाई में नीचे की चीजें स्ट्रांग नहीं करेंगे, जमा घटा नहीं सीखेंगे या गुणा भाग नहीं सीखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्ट नहीं सीखेंगे, तो कैसे हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स में, वो कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो भैया ने भी कहा कि घर सिर्फ ऊपर ऊपर अगर हम बनाएंगे तो गिर जाएगा, पढ़ाई भी ऊपर ऊपर से हम करेंगे तो वो भी किसी काम की नहीं आएगी, वो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, ऊपर ऊपर हम रटते रहेंगे तो चीजों को। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाए, इसीलिए मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ। समटाइम इट टेक्स मी 2 ईयर्स टू डू 1 ईयर्स वर्क वर्क कई बार मुझे, भैया भी यही बात कह रहा है कि कई बार मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल भी लग जाएंगे, और मुझे 2 साल मतलब 1 साल का काम करने में लिए 2 साल लग जाते हैं, लेकिन मेरी जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? मुन्ना हैरान हो गया। मुन्ना बोला, भैया यू आर 5 ईयर्स ओल्डर देन आई एम। भैया मुन्ना बोलने लगा कि आप तो मुझसे 5 साल बड़े हो एंड 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी, लेकिन हमारी एज में तो 5 ईयर्स का डिफरेंस है, लेकिन क्लास में आप मुझसे सिर्फ 3 साल आगे हो, वो तो 5 साल होना चाहिए था ना। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। अब मुन्ना ने पूछा, मुझे ये समझ में नहीं आता आप हर वर्ड को 20 टाइम्स क्यों लिखते हो राइटिंग, जब मैं आप लोगों को कर्सिव राइटिंग कराती थी आप कहते थे ना मैडम क्यों बार बार लिखवाते हैं, हमारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। नहीं, बोलने से नहीं होती, इसीलिए करवाती थी राइटिंग क्योंकि आपकी राइटिंग सुंदर हो जाए। जब हम कोई चीज बार 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 करते हैं तो वो चीज हमारी अच्छी हो जाती है। क्या आप एक बारी में नेमिंग वर्ड सब बच्चों को आ गए थे? नहीं, कुछ बच्चों को थर्ड में आए अच्छे से, कुछ बच्चों को फोर्थ में और अच्छे आए, अब कई बच्चों को फिफ्थ में बहुत अच्छे से आ गए। तो टाइम लगता है जिस चीज को हम बार 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 करते रहते हैं तो वो चीज हमारी अच्छी होती जाती है। इसीलिए उसका भैया जो है वो पूछ रहा है अपने भैया से कि आप क्यों 20 टाइम्स एक ही शब्द को लिखते हो, वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स लिखते हो, क्यों कॉपी करते रहते हो उसको? आप कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, आप अपनी जो बुक्स की जो पोएम्स लिखी हुई है उनको सेवरल, सेवरल मतलब मैनी, सेवरल मतलब मैनी, बहुत बार क्यों लिखते रहते हो ब्यूटीफुल लेटर्स में जो पोएम आपकी बुक में है, आप उसको बार 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 क्यों कॉपी करते रहते हो? मुन्ना बहुत परेशान है कि भैया इतना क्यों पढ़ता है, क्यों हर वर्ड को बार बार लिखता रहता है। फिर भैया जवाब देता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। भैया कहता है कि तुम जानते हो इंग्लिश कोई बच्चों इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक जो व्यक्ति है, एक जो इंसान है, उसे एक सब्जेक्ट सीखने के लिए, उसे एक लैंग्वेज सीखने के लिए, उसे कुछ सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं कोई सब्जेक्ट एक दिन में आ जाता। सो टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अगर इंग्लिश को आप प्रॉपरली बोलना चाहते हैं तो एकदम ट्रेमेंडस एफर्ट चाहिए उसके लिए। ट्रेमेंडस मतलब एकदम अद्भुत, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट, एफर्ट मीन्स कोशिश। बच्चे अभी कोई भी बच्चे जो बच्चे न्यू वर्ड्स की मुझे लिख के भेज रहे हैं, मत भेजिए बेटा, क्योंकि अगर आप लिखने में लगेंगे ना तो आप स्टोरी ढंग से नहीं सुनेंगे। तो बेटा न्यू वर्ड्स मत लिखिए, जब मैं न्यू वर्ड्स कराऊंगी तब आपको आंसर आएगा तो आप बताना, ठीक है बच्चे? आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों को, काफी बच्चों को न्यू वर्ड्स की मीनिंग ऑलरेडी आते हैं, इट इज गुड। बट
बच्चे अगर आप लिखने में लग जाएंगे ना तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, ठीक है? तो अभी आप स्टोरी समझिए, न्यू वर्ड्स में जब कराऊंगी मैं आपसे पूछूं, ओके? सो सॉरी। तो भैया ने बोला कि तुम जानते हो इंग्लिश बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट सीखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंग्लिश को प्रॉपर बोलने के लिए ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट, एफर्ट मीन्स कोशिश की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होना किसी चीज की। अगर हमें इंग्लिश प्रॉपरली बोलना सीखना है तो हमें बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स लाइक पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स टू फॉर फन। लेकिन तुम क्या करते हो मुन्ना, तुम क्या करते हो जैसे ही तुम्हें टाइम मिलता है और तुम्हें जैसे ही चांस मिलता है, जैसे ही तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुम भाग जाते हो खेलने के लिए। ये कौन बच्चा है जिसने स्पीकर अनम्यूट किया? कौन बच्चा है जो इसने स्पीकर, रॉयल स्पीकर अपना बेटा म्यूट रखे, रॉयल स्पीकर अपना म्यूट रखे, बेटा स्पीकर सबको म्यूट रखने हैं। चलिए तो भैया कहता है कि जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है मुन्ना, तुम तो भाग जाते हो खेलने के लिए, मार्बल्स कंचे खेलने के लिए, पतंगे उड़ाने के लिए, या फिर तुम खाली बैठ जाते हो और अपने दोस्तों के साथ फन करते हो, मजे करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम एक जगह नहीं बैठ सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते? फिर मुन्ना जवाब देता है, भैया ने इतना समझाया कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और इंग्लिश बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए हमें रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, न्यू वर्ड सीखने पड़ते हैं, घर में इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी होती है ना? तो अब मुन्ना तो सुन, मुन्ना को उनको उन भैया ने बोला कि तुम्हें तो जैसे ही मौका मिलता है तुम खेलने भाग जाते हो, पतंगे उड़ाने लगते हो, कंचे खेलने लग जाते हो, या फिर खाली बैठे रहते हो दोस्तों के साथ मजे करते हो, तो बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं करते? मुन्ना ने जवाब दिया, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? लो भैया डांट रहा है और मुन्ना क्या कह रहा है कि यहाँ पर बड़ा सा मेला लगा हुआ है गाँव में, तो हमें जाना चाहिए, हमें वहां पर जाकर मस्ती करनी चाहिए। भैया को और ज्यादा वो बोल उसको डांटने लगता है, Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? तुमने कभी मुझे देखा है कि मैं मेले में गया हूँ, किसी क्रिकेट मैच में गया हूँ देखने के लिए, या कोई हॉकी मैच देखने गया हूँ? आई डोंट गो नियर देम, मैं उसके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं क्या किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ या प्रेफर करता हूँ, या जिसको ज्यादा महत्व देता हूँ, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ? मैं घर पर बुक पढ़ने पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि ना कि मैच देखने जाना है या मेला देखने जाना है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं एक ही क्लास को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना चाहता हूँ। बट यू माइंड स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन मैं तो एक क्लास को 2 साल में भी पार कर लूंगा, लेकिन जिस हिसाब से तुम चल रहे हो मुन्ना, तुम्हें तो लगता है एक क्लास में ही तुम अपनी पूरी जीवन निकाल दोगे, ऐसा लगता है तुम एक ही क्लास में, जिस क्लास में अभी हो उसी में रह जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम ऑल द टाइम? तुम्हें लगता है कि तुम पास हो पाओगे अगर तुम पूरे दिन खेलते रहे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम किस सिंपली क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ पापा मम्मी, जो पापा ने इतनी मेहनत से हार्ड मतलब इतनी मुश्किलों से अर्न मतलब कमाना, जो पापा इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, तुम उसे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम तो खेल में लगे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम पापा इतनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं उसको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह वाह। सो मुन्ना ने जैसे ही भैया ने ये कहा कि तुम मामा मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हो, पापा इतने अच्छे से कमाते हैं, इतनी मुश्किल से कमाते हैं, सॉरी, सो तुम पापा के पैसों को खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो मुन्ना रोने लगा क्योंकि उसे लगा उसके भाई ने उसको स्कोल्ड कर दिया है, स्कोल्ड मतलब डांट दिया है, एंड सोबिंग साउंड, और फिर वो सोब करने लगा, सोब मतलब सिसकियां निकालने लगा, सिसकियां मतलब जैसे हूं हूं करके रोते हैं ना बच्चे,
तो मुन्ना भी सोबिंग करके रोने लगा, क्योंकि उसको लगा उसके भैया ने उसको डांट दिया। अब क्या हुआ, मुन्ना मुन्ना ने बोला, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे लगता है कि मुझे घर पर वापस चले जाना चाहिए और मुझे वहां पर दौड़कर अपने घर पर वापस चले जाना चाहिए। भैया ने बोला, नाउ नाउ अभी अभी स्टॉप क्राइम। जो उसका भाई है उसने बोला मुन्ना को, रोना बंद करो, रोना बंद करो, पुट ऑन अ स्माइल, अब अपने मुंह पर एक स्माइल लाओ। देखा, पहले भैया ने डांटा, फिर अब वो छोटे भाई को मुस्कुराने के लिए भी बोल रहा है। और लुक आई विल मेक अ टाइम फॉर यू, चलो गेट अप एट डाउन। अब भैया ने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक, काफी बच्चे बोल रहे हैं, साउंड क्लियर नहीं है, तनया संतोष, तनया इमोजी बना के भेजने की क्या जरूरत है बच्चे? आई गॉट इट योर मैसेज दैट यू आर नॉट गेटिंग द साउंड, बट वॉट इज द नीड टू मेक अस टू सेंड अ इमोजीज? तमन्ना साउंड इज क्लियर, कुछ बच्चे कह रहे क्लियर है नहीं है। अब बताइए साउंड इज क्लियर और नॉट बेटा? नेटवर्क मैम, म्यूट हो सकता है, स्पीकर म्यूट मैं रख, नहीं, स्पीकर म्यूट रखे बच्चे। टाइम साउंड नहीं आ रहा है मैम। मैंने कहा स्पीकर म्यूट रखिए। मैम मेरा टाइपिंग सेशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं टाइप नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बच्चे, मैं कुछ चैट में तो मैं कुछ पूछ ही नहीं रही, आप लोग बोल ही क्यों रहे हो? मैं तो ये बोल रही हूँ आपको चुप रहिए आप, मैं भी कुछ पूछ ही नहीं रही, तो आप राइट चैट में लिखना क्या है आपको? एक मिनट रुकिए बेटा। आप, मेरी वॉइस क्लियर है बच्चे? और जो बच्चे कह रहे हैं मैं चैट सेशन में लिख नहीं पा रहा, बेटा मैंने अभी तक कुछ पूछा ही नहीं है, तो आपको चैट सेक्शन में लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए, तो मैं कह रही थी लास्ट लाइन, भैया रो रहा था, सॉरी मुन्ना रो रहा था, भैया ने बोला, अब आप तुम क्या करो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, फिर तुम उसे फॉलो करना और रोना बंद करो और अपने मुंह पर एक स्माइल लेके आओ, ठीक है? सो ये कन्वर्सेशन हुई है अब भैया और मुन्ना के बीच। चलिए, अब भैया ने एक टाइम टेबल बना के दिया मुन्ना को, ठीक है? 6 AM पर उसे करना है वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 AM पर 6 बजे उसे करना है उसके हाथ धोकर, उसको मुंह धोकर और ब्रेकफास्ट कर पढ़ने के लिए बैठना है। 6 से 8 बजे तक उसे इंग्लिश पढ़ना है, 8 से 9 मैथ्स पढ़ना है, 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़नी है, 3 to 3:30 देन ऑफिस स्कूल जाना है, फिर 5 से 6 ग्रामर पढ़ना है, हाफ एन आवर को स्ट्रोलिंग मतलब घूमने के लिए उसे, इधर स्ट्रोलिंग मतलब इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमने के लिए टाइम निकाल दिया उसका, आधा घंटा उसको घूमने के लिए भी दे दिया। 6:30 से 7 PM तक इंग्लिश कंपोजिशन देन डिनर, फिर 6:30 to 7 PM तक उसे इंग्लिश कंपोजिशन करनी है, फिर डिनर लेना है, फिर 8 से 9 बजे ट्रांसलेशन सीखना है, फिर 9 to 10 हिंदी सीखना है, फिर 10 to 11 अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, फिर उसके बाद उसे सोने के लिए बिस्तर पर चले जाना है 11 PM पे। ये भैया ने टाइम टेबल बनाया। अब ये टाइम टेबल देखकर मुन्ना तो शॉक्ड हो गया, बट व्हाट इज व्हेन इज द टाइम टू प्ले? अब भैया जो मुन्ना है वो पूछ रहा है कि खेलने का समय कहाँ दिया, खेलने का समय कहाँ है? भैया ने बोला, प्ले व्हाट इज द नीड मुन्ना? भैया ने बोला, खेलने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है खेलने की मुन्ना? मुन्ना ने बोला, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरी हरी घास, हरे हरे खेत बहुत पसंद है, द जेंटल ब्रीज, जो ये सॉफ्ट सी हवा चलती है वो बहुत पसंद है, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे कूदना जम्प करना बहुत पसंद है, आई लाइक द टच एंड गो
एंड हु टू टू साउंड ऑफ द कबड्डी, मुझे कबड्डी में हु टू टू का साउंड निकालना, एक दूसरे को टच करके जो खेलते हैं जब बोलते हैं वो बहुत पसंद है, एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो हरी फ्लरी की बॉल वॉलीबॉल पुल्स करना मुझे वो मैग्नेट की तरह वो भी बहुत पसंद है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब मैं खेत में होता हूँ, खेल में होता हूँ, सॉरी फील्ड मतलब खेल के मैदान में होता हूँ, क्योंकि फील्ड का मतलब दो होते हैं, एक होता है जो खेत होते हैं वो, और एक होता है कि जो खेल का कोई मैदान होता है उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं खेल के मैदान पे होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है। अब उसके भाई ने टाइम टेबल तो बना दिया मुन्ना के लिए, लेकिन उसके खेल का टाइम नहीं निकाला। अब मुन्ना एक्सप्लेन कर रहा है उसे खेलना बहुत पसंद है। चलिए अब आगे क्या होता है, अभी तक सीन वन चल रहा था जब वो बैठकर स्टडी टेबल पर, होटल जो उनका हॉस्टल था उसमें बैठे हुए थे, स्टडी टेबल पर पढ़ाई करते हुए ये बातें हो रही थी। अब सीन दो दूसरा चल रहा है, अब एपिसोड दूसरा आ गया, जैसे कोई नाटक देखते हैं हम, उसमें एपिसोड वन आता है फिर अगले दिन दूसरा आता है ना, ऐसे अब दूसरा एपिसोड आया, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब क्या हुआ, ये थोड़े दिन की बात है, एग्जाम्स खत्म हो गए और रिजल्ट बाहर आ गया। भैया एल्स आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अब क्या हुआ, भैया ने बोला हाय राम मैं फिर से एक बार फेल हो गया। मुन्ना बोला ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माय क्लास। अब क्या हुआ, भैया तो पूरा दिन रात पढ़ता रहता था और वो फेल हो गया, और मुन्ना जो कि खेलता रहता था उसने अपनी क्लास में टॉप कर लिया, वो फर्स्ट आ गया। नाउ देयर इज ओनली 2 इयर्स बिटवीन अस। अब भैया जो मुन्ना है वो इतराते हुए बोलता है बहुत घमंड में कि जो हमारे अंदर दोनों में क्लास का 3 साल का अंतर था वो कितने साल रह गया, सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। भैया जो मुन्ना था वो बहुत प्राउड में था क्योंकि उसने क्लास टॉप कर ली थी। भैया ने बोला बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो मेरे छोटे भाई, इतना घमंड मत करो, यू हैव पास ओनली वन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने एक क्लास क्या पास करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ हूँ और तुम स्मार्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है। वंस इन अ वाइल इन अ गुली डंडा गेम, एक दिन की बात है जब हम एक दिन गुली डंडा की गेम खेल रहे थे, यू माइट गेट लक्की, तो तुम उस दिन लक्की साबित हुए थे एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन, तुमने गोल पर भी मार दिया था, टारगेट पर भी मार दिया था जब गुली डंडा हम एक दिन खेल रहे थे। So, इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं निकलता यू हैव मास्टर द गेम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एक बार गलती से या तुक्के में या तुम लकी थे तो इसलिए तुमने गेम में टारगेट पे बिल्कुल हिट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मास्टर कर लिया है गेम में। मास्टर मतलब एकदम प्रोफेशनल हो जाना, एकदम स्किल्ड हो जाना, एकदम परफेक्टली कोई गेम को करना, इसका मतलब ये नहीं है तुम उसमें मास्टर हो गए हो कि तुम एकदम परफेक्ट गेम खेलने लगे। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सेसफुल इन लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ तुम्हें मेहनत करनी चाहिए अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। वेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एलजीब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लास देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे और एलजेब्रा ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट तुम्हारी क्लास में आए तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, मेहनत करना क्या होता है, कोशिश करना क्या होता है, दिन रात पढ़ना क्या होता है। जब बड़ी क्लास में जाते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, वो उसका भाई कहता है अभी तुम्हारी पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है। सिमिलर अगर आप देखें अभी आपकी 5th क्लास में, आपको अगर मोस्टली बच्चों को लगता होगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ मैथ्स में या इंग्लिश में, या अगर आपने ढंग से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली है या आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आती है ना, ऐसा होता है ना, और फिर आपके स्कोर भी अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप ढंग से अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, अगर आपको अभी नेमिंग वर्ड नहीं पता, ठीक है, तो 6th में जाकर आप नाउन कैसे सीखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के नाउन भी होते हैं। अगर अभी आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं पता तो एडजेक्टिव को डिफरेंट टाइम में कैसे बांटते हैं वो कैसे सीखोगे अगली क्लास में 6th में, फिर तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, होगा ना। तो इसलिए अपनी बेस स्ट्रांग रखो, ताकि जो मुन्ना है वो उसके छोटे जो बड़ा भाई है उसको मुन्ना को बोलता है कि एलजेब्रा और ज्योमेट्री जब तुम बड़ी क्लासेस में सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा हार्ड वर्क क्या होता है, मुश्किल चीजें क्या होती हैं, मेहनत क्या होती है।
इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अगर ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री मतलब जिसमें आप कंपास यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, सर्कल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, अगर बड़ी क्लासेस में आपने इसका जो नेमिंग है ए बी सी की जगह ए सी बी कर दिया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी गलतियों के नंबर कट जाते हैं बड़ी क्लास में। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, जो एग्जामिनर है जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारे नंबर काट लेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं कि जैसा बुक में लिखा है वैसा ही तुम उसे लर्न करो, लिखो। ठीक है, तो जब बड़ी क्लास में तुम हो जाओगे अगर एबीसी की जगह तुमने एसीबी कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत, तुम्हारे नंबर कटेंगे, तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे नंबर काट लेगा, और वो चाहते हैं कि तुम्हारी बुक्स में जैसा लिखा है तुम उसे वैसे ही एज इट इज लिखो। ठीक है, चलिए मुन्ना आगे बोलता है, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। मुन्ना बोलता है ओ माई गॉड, ये भैया ये तो बहुत डरावना है, स्केरी है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द नाइन्थ क्लास नाउ, मुझे लगता है मुझे नौवीं क्लास में नहीं जाना अब। बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, लेकिन मैं अपना डेली काम खत्म कर लूंगा, रोज करूंगा काम, लेकिन मुझे बड़ी क्लास में नहीं जाना। मैं अपना रोज का काम तो खत्म कर सकता हूँ ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले, लेकिन मैं नौवीं क्लास में नाइन्थ क्लास में नहीं जाना चाहता। प्रदीप्ता मैम व्हाट इज एलजिब्रा? एलजिब्रा बेटा आगे मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट चीजें होती हैं, ए बी सी डी, जैसे आप लोग अभी ज्योमेट्री करते हैं जिसमें आप कंपास और बहुत सारे कंपास और स्केल और इरेजर पेंसिल से सर्कल शेप्स बनाते हैं, ऐसी एलजेब्रा होती है जो हम जैसे मैथ्स की कुछ चीजों को हम ए बी सी डी लिख कर और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना कि नंबर्स को लिखकर। तो उन ए बी सी डी के द्वारा ही कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना वो डिफिकल्ट टाइप का मैथ्स होता है थोड़ा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है आगे आगे क्लास में बढ़ने में कि हाँ भैया तो इतनी पढ़ाई कर रहा है, अगर हमने इतनी पढ़ाई नहीं करी तो हम तो फेल हो जाएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भैया आगे बोलता है जस्ट टूडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक पंचुअलिटी इन 4 पेज। अब वो भैया बता रहा है अपनी मुश्किलें, बता रहा है कि मैं क्या मुश्किलें फेस कर रहा हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह छोटे बचपन में इतना पढ़ लेता तो अभी मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता ना। तो भैया कह रहा है कि आज हमारे सर ने हमें एक टॉपिक दिया है पंचुअलिटी। पंचुअलिटी होता है जो हर काम अपना बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे करता है, जैसे सुबह उठना, स्कूल टाइम से पहुंचना, लेट नहीं होना। ठीक है, अगर मम्मी पापा है तो ऑफिस टाइम से पंचुअलिटी के साथ पहुंचते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं, रात को टाइम से सोते हैं, अपना पढ़ाई का टाइम जैसे आप लोग हैं समय पे पढ़ते हैं। जो काम हर जो व्यक्ति अपना हर काम समय पे करता है, बिल्कुल टाइम पे करता है, हर काम के प्रति अपना सिंसियर होता है, उसे कहते हैं पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मीन्स पूरा अपना एकदम एक्यूरेट होकर काम करना, बिल्कुल समय के साथ चलना, कि डॉट अब 10:15 हो रहे हैं या 9:30 है, मैडम की क्लास शुरू होने वाली है, 9:30 से 1 मिनट पहले ही कई बच्चे ऑनलाइन आ जाते हैं, 9:29 पे आ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पंचुअल है। कई बच्चे आकर बोलते हैं बीच में, मैडम मैं तो अभी आया हूँ, शुरू से चैप्टर समझा दो, तो दे आर नॉट पंचुअल। ठीक है, अगर मैं भी आपकी क्लास आराम से 9:30 बजे की बजाय 10 बजे शुरू करूं तो आई एम नॉट पंचुअल, लेकिन अगर मैं क्लास में आकर अटेंडेंस लेती, आपको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो आई एम पंचुअल। अगर मैं स्कूल में जैसे ही बेल बजती आपकी क्लास में आ जाती हूँ तो आई एम पंचुअल, अगर मैं लेट आती हूँ तो आई एम नॉट पंचुअल। ठीक है, तो हर काम जो हमेशा समय से करता है दैट मीन्स दैट पर्सन इज पंचुअल। तो भैया कहता है कि आज हमारे सर ने या मैडम ने हमें 4 पेज का पंचुअलिटी पे ऐसे लिखने को दिया है। एंड इमेजिन इफ कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि 4 पेजेस की चीज भी हो, 4 पेज पे भी लिखना और वो छोटा भी हो, इट इज ऑल्सो मिक्सड अप। तो भैया कहता है कि सारा मिक्सअप है, हमारे सर ने कहा है 4 पेज का लिखो लेकिन छोटा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है मुन्ना सब कुछ, तो अपना अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना क्या है अब वो सोचने लगता है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन।
जो मुन्ना है वो सोचने लगता है, बोलता है भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो भैया का डांटना और बोलते रहना ये कंटिन्यू रहता। अच्छा हुआ स्कूल का समय हो गया, ठीक है। सो लास्ट सीन है इसका, ये स्टोरी हमें आज ही खत्म कर रही है, तो मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ, क्वेरीज में एंड में लूंगी बच्चे। हो सकता है आज आपका 5-7 मिनट का सेशन थोड़ा बड़ा हो जाए, तो डोंट माइंड, लेकिन ये चैप्टर आज हम आज ही खत्म करेंगे। अब यहाँ एपिसोड नंबर 3 आया, सीन नंबर 3 आया, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट इज हैपन दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल अगेन। अब फिर क्या हुआ, भैया तो दिन रात पढ़ रहा था, भैया तो इतनी मेहनत कर रहा था, और भैया इतनी मेहनत के बाद और इतनी मेहनत के बाद भी भैया फेल हो गया, और जो वो मुन्ना है, मुन्ना का देखते हैं क्या हुआ, भैया तो फेल हो गया, भैया बहुत दुखी था क्योंकि भैया तो बहुत मेहनत करता था, और मेहनत करने के बाद भी जब कोई फेल हो रहा तो उसे तो दुख होगा। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना को भी दुख हुआ अपने भाई को ऐसे देखकर। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद, एक मिनट रुकेंगे बच्चे, जो भैया है फिर से फेल हो गया, और जो भैया फेल होने की वजह से, एक मिनट रुकेंगे बच्चे, तो भैया है वो फिर से फेल हो गया और भैया बहुत दुखी है। मुन्ना भैया को अपसेट देखकर, वो भी थोड़ा सा अपसेट हो गया, खुश नहीं था भाई मुन्ना ऐसा भैया को देखकर। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब जो भैया है पहले जो स्कोल्ड करते थे भैया मुन्ना को, और अब वो जेंटल हो गए, जेंटल मीन्स सॉफ्ट हो गए भैया मुन्ना के साथ। पहले वो रूडली बोलते थे ऐसे नहीं करो, खेलने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अब जो भैया है वो मुन्ना के साथ थोड़े जेंटल हो गए, सॉफ्ट हो गए, पोलाइट हो गए। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर। अब मुन्ना क्या है, वो जो इतना पढ़ रहा था मुन्ना, उससे भी उसने कम पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुन्ना तो पास हो गया फिर से, और मुन्ना को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, मुन्ना को घमंड आ गया कि मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाता हूँ, और भैया इतना पढ़ रहा वो फिर भी फेल हो रहा है, तो उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मुन्ना ने टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लकी, अब मुन्ना ने क्या कहा चीखते हुए, वाह मजा आ गया, आई एम लकी, मैं कितना लकी हूँ, आई कैन पास इजली, मैं आराम से पास हो सकता हूँ, आई नीड नॉट टू स्टडी सो हार्ड, मुझे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं पतंगे उड़ा सकता हूँ, मैं मस्ती कर सकता हूँ, मैं मजा कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट, लेकिन बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मुन्ना अपने आप से बातें कर रहा है कि भैया मुझे पतंगे उड़ाते हुए देखे नहीं, नहीं तो वो फिर से मुझे डांटेंगे, और मुझे ये केयरफुल रहना है कि मुझे भैया से छुप कर, मुझे भैया से छुप कर क्या करना है, पतंगे उड़ाना है। सॉरी मैम, मैं गलती से निकल गई थी, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुन्ना अपने आप से बात कर रहा है, मैं कितना लकी हूं, मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाता, मैं अभी भी और मस्ती कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, और बस मुझे ये करना है भैया से छुप कर मुझे पतंग उड़ानी है। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। अब चुपचाप मुन्ना क्या कर रहा था, बिना भैया को बताए और वो खेलने चला जाता है। खेलते खेलते जब वो पतंग के पीछे पीछे भाग रहा था, जैसे ही पतंग नीचे गिरने वाली थी, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पतंग को मुन्ना तेजी से भागा, और भागते भागते उसका ध्यान नहीं था आसपास कौन है, और वो भागते भागते पतंग को पकड़ने के लिए, और सडनली ही कम्स फेस टू विद भैया, और अचानक, सडनली मीन्स ऑल ऑफ सडन, ये वर्ड हमने किया हुआ है, ऑल ऑफ सडन ही कम्स फेस टू विद भैया, अब भैया ने उसको पकड़ लिया कि ये तो पतंग उड़ा रहा है बिना मुझे बताए, चुपके से वो भी, तो भैया ने उसको पकड़ लिया और
उसका सामना भैया के साथ हो गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। आरंट यू अशेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो मुन्ना। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन अ 8th क्लास, तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम 8th क्लास में हो एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, तुम छोटी क्लास में नहीं हो, अब थर्ड फोर्थ में नहीं हो तुम, अब तुम 8th क्लास में हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, तुम्हें लगता है कि अगर मैं 9th में हूँ और तुमसे 1 क्लास आगे हूँ, तुम 8th में हो, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है? तो ये मत समझना कि तुम मेरे से अब 1 क्लास पीछे रह गए हो तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम्हें टोकूंगा। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग टू यू, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ, तुम मुझसे 1 क्लास पीछे हो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं या कुछ कहूंगा नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड ऑलवेज विल एंड विल ऑलवेज बी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे क्लास हमारी बराबर भी हो जाए फिर भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फॉर रीडिंग, फ्रॉम रीडिंग बुक्स, लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास। तुम्हें पता है सिर्फ बुक्स पढ़ने से सारा ज्ञान नहीं आ जाता, ठीक है? कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस भी है जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब आप 1st क्लास में आए होंगे, कुछ बच्चे आपस में झगड़ा करते होंगे, लेकिन 5th या 3rd या 4th तक आते आते वो बच्चे समझ गए कि लड़ाई से कुछ नहीं होता। फिर आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि आपस में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, तो अब आपको एक एक्सपीरियंस आ गया। अगर हम क्लास में लड़ेंगे तो हम मैडम से डांट खाएंगे, हम प्रिंसिपल सर से डांट खाएंगे, घर पे जाएंगे मम्मी पापा से डांट खाएंगे, तो ये आपको एक्सपीरियंस आ गया कि हमें क्लास में लड़ना नहीं चाहिए, किसी को धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। अब 1st क्लास में क्या करते होंगे आप एक दूसरे को धक्का मार के और लाइन में आगे लगने की कोशिश करते होंगे, है ना? जब मैडम कहती होगी लाइन बना लो, आप क्या करते होंगे, भागकर आगे लगने की कोशिश, है ना? लेकिन आप 5th क्लास में आकर क्या आप एक दूसरे को धक्का मारकर भागेंगे? नहीं, अब आपको एक्सपीरियंस आ गया कि हमें ये स्टूपिडिटी, ये बच्चेपन, ये जो हरकतें हम छोटे बच्चे होते हैं ना समझ होते हैं करते हैं, वो 5th वाले बच्चे करेंगे, तो फिर टीचर बोलेगा आप तो आप बड़े हो गए बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये चीजें अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझदार हो गए हो, ठीक है? लेकिन जो हरकतें आप 1st में करते थे अब तो नहीं कर सकते वो हरकतें सेम, है ना? क्योंकि अब आप में समझदारी आ गया, आप बड़े हो गए हो। सो इफ यू थिंक आई एम जस्ट, भैया कहता है कि ये मत समझो कि तुम हमारी क्लास में 1 साल का अंतर है, मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा और बड़ा हूँ और रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी पापा को देखो, माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल ही नहीं गई है देखो, और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास किया है, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी फिर भी वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे दादा दादी ये जो हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मम्मी पापा से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, बेशक वो भी पढ़े लिखे नहीं हो, उन्होंने बुक्स ना पढ़ी हो, लेकिन उन्होंने लाइफ को जिया है, तो उन्होंने लाइफ को जिया है, इसी तरह मैंने भी तुमसे ज्यादा लाइफ को जिया है, तुमसे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुन्ना कह रहा हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। मम्मी पापा स्कूल नहीं गए, पापा सिर्फ 5th क्लास तक गए, माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार है क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना अब शॉक्ड हो जाता है, रियली भैया इज दैट ट्रू, क्या ये सच है भैया, क्या ये सच में सच है? भैया बोलता है यस देयर आर, बेटा भी स्पीकर अनम्यूट कर रखेंगे, सॉरी स्पीकर म्यूट रखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे। भैया यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी, भैया बोलता है यस ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमसे ज्यादा वो जानते हैं, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और चाहे हम पूरी दुनिया का कितना भी विजडम ज्ञान ले लें, लेकिन हम मम्मी पापा से हमेशा कम रहेंगे। माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, मम्मी पापा के पास ये हमेशा राइट है, ये अधिकार है कि वो हमें एक्सप्लेन करे चीजों को, हम जहां गलती कर रहे हैं हमें करेक्ट करे, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब भैया बोलता है तुम बताओ अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे। मुन्ना से पूछता है कि मैं अगर बीमार हो गया, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते, अगर
अगर आज मैं बीमार हो जाता तो तुम क्या करोगे? मुन्ना बोलता, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना कहता है, मैं क्या करूंगा, मैं पापा को बता दूंगा भैया, मुझे पता नहीं है मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं पापा को बता दूंगा, बाबा को बता दूंगा, वो आएंगे हॉस्टल में भागकर और तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। भैया बोलते हैं, मुझे पता था तुम यही आंसर दोगे कि मैं बाबा को बुला लूंगा। ना, बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। पापा क्या करेंगे, पहले देखेंगे मुझे बुखार है, खांसी है, क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, मतलब क्या मेरी बॉडी हो रही है। भैया, पापा पहले ये देखेंगे, बाबा देखेंगे और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है उन्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम छोटे बच्चे हो। देन दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया जो मुन्ना है उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, व्हाट यू से इज ट्रू, भैया आपने जो कहा वो एकदम सच है, मुझे माफ करना भैया। भैया हग्स मुन्ना लविंगली और भैया ने प्यार से मुन्ना को गले लगाया। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया ने बोला कि मुझे भी पसंद है भाई काइट्स खेलना, और काइट्स उड़ाना, सॉरी काइट्स उड़ाना और खेलना। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच फॉर यू, अगर मैं भी खेल में लग जाऊंगा तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम हॉस्टल में साथ रहते हैं तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मम्मी पापा ने तुम्हें मेरे भरोसे यहाँ पर छोड़ा है, तो अगर मैं भी तुम्हारी तरह खेल में लग जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, ठीक है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और मुन्ना एंड में कहता है, आई लव यू भैया, और मुन्ना को रियलाइज होता है कि आज तक जो अपने भैया को वो अवॉइड करता रहता था, जो भी भैया एडवाइस देते थे, वो मैं अवॉइड करता था, और इस अवॉइड की वजह से मैं अपनी भैया की बात नहीं सुनता था। तो ये इस कहानी से हमें, अब आप मुझे बताएंगे कि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन 5 मिनट मैं एक्स्ट्रा लूंगी, आप मुझे जल्दी से बताइए इस कहानी से हमें लेसन क्या मिला है, जल्दी से आप बताएंगे, अगर स्टोरी आपने ध्यान से सुनी है, लेसन क्या मिलता है आपको इस कहानी से, जल्दी बताएंगे बच्चे, बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। यस विनीत, वेरी गुड, और क्या इस कहानी से हमें लेसन मिलता है? मैम, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। यस, व्हाट एल्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यस, टू ओबे द एल्डर्स, वेरी गुड समर्पिता, अनुद्रित, बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, द प्यार, रीड हार्डली, स्टडी वेल, यस, अपना सब बड़े की बात माननी चाहिए, यस प्रशांता, हमें अपने बड़ों की शिक्षा हमेशा काम काम में यूज करना चाहिए, एलिस, वेरी गुड, वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, रिस्पेक्ट एवल्स, यस, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी बड़े लोग जो बात कहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तमन्ना, वेरी गुड बच्चे, सभी बड़ों की एडवाइस माननी चाहिए, रिस्पेक्ट एल्डर्स, मैम ब्रो की बात मानना चाहिए, प्रशिक्षण, देखिए सभी बोल रहे हैं कि हमें इस कहानी से यही लेसन मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, और जो भी वो हमें टोकते हैं रोकते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता है, हमसे पहले आए हैं ना वो दुनिया में, है ना, तो उन्हें हमसे ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा बहन है, ठीक है, अगर वो हमें कोई चीज देखने के लिए मना करते हैं और कोई चीज टोकते हैं कि ये मत करो या वो मत करो, तो वो हमारे भले के लिए करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब आप इस स्टोरी को एक बार पहले आपने पढ़ा था जब आपने स्टोरी को नहीं समझा था, अब मैंने आपको स्टोरी समझा दी, अब आप इसकी दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी कि मैडम ने इस लाइन का मीनिंग ये बताया था। अब एक बार आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन, अगर न्यू वर्ड्स एक दिन में हो गए तो हम उसी दिन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो अगर आपके पास अभी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ स्टोरी में कुछ ऐसा समझ नहीं आया हो, न्यू वर्ड्स अगर किसी बच्चे को मीनिंग पूछना है तो मैं यही बोलूंगी, क्योंकि न्यू वर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एज वी ऑल नो कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो फिर भी मैं एक दो क्वेरीज ले लेती हूँ, चलिए हटिए बच्चे।
मैम व्हाट इज जेंटलर एंड पंचुअलिटी? तमन्ना, जेंटलर मींस जेंटल हमने वर्ड किया हुआ है पहले, मुझे जेंटल मीन होता है सॉफ्ट, जेंटलर मतलब उससे भी ज्यादा सॉफ्ट। भैया पहले जो थे, भैया पहले डांटते थे, अब वो उससे ज्यादा सॉफ्टर होकर, सॉफ्ट होकर और बहुत ज्यादा पोलाइट होकर मुन्ना को समझा रहे थे। तो जेंटलर मीन्स, जेंटल मीन्स सॉफ्ट, जेंटलर मीन्स उससे भी ज्यादा सॉफ्टर। चलिए, और पंचुअलिटी मींस जो बच्चे अपना काम टाइम से करता है, टाइम से आता है, जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, पढ़ाई करता है, सोता है, इट मींस ही इज पंचुअल, और वो पंचुअलिटी से काम करता है, समय पे अपना हर काम जो पंचुअलिटी से करता है, समय पे करता है, तो उसी को बोलते हैं पंचुअलिटी। चलिए, का और अभी एक दो बच्चों ने और क्वेश्चन किया था, वेट करेंगे बच्चे। मैं रुकेंगे बच्चे, चैट में थोड़े ऊपर चली गई मैं। मैं चैट में ऊपर चली गई। चलिए, अब मुझे लगता है व्हाट इज आइडलिंग? आइडलिंग मतलब बिना कोई काम करे मूर्ति की तरह बैठ जाना, कुछ नहीं करना, ठीक है? आइडलिंग मतलब आइडल की तरह बैठ जाना, कुछ काम नहीं करना, लेजी, इनएक्टिव होके बैठ जाना। हाँ बेटा, आप राजश्री जा सकती हैं, आपकी दीदी का क्लास शुरू हो गया, मैं अब सिर्फ क्वेरीज ले रही हूँ बेटा, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम व्हाट इज ट्रेमेंडस एफर्ट? ट्रेमेंडस एफर्ट मतलब बहुत ज्यादा ग्रेट कोशिश करना, बहुत ज्यादा बड़ी कोशिश करने से इंग्लिश आती है, जो चैप्टर में ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब अद्भुत, वंडरफुल, प्रयास करने पड़ते हैं हमें, कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें, एफर्ट मीन्स कोशिश, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत बड़ ज्यादा, बहुत अद्भुत, बहुत वंडरफुल, हमें मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, तब हमें इंग्लिश आती है, चैप्टर में ऐसा कहा गया है। आइडलिंग मीन्स मतलब आदर्श मूर्ति, इनएक्टिव, लेजी होके बैठ जाना, ठीक है बच्चे? आई डोंट थिंक सो। अब किसी की और की कोई क्वेरी है? उदीप, सेवरल मीन्स मैनी, सेवरल मीन्स मैनी, मैनी मतलब बार बार करना, जैसे हम बार बार खेलते, आई प्ले मैनी, सॉरी आई प्ले फुटबॉल सेवरल टाइम्स, बहुत बार कोई चीज खेलना। मैम व्हाट इज जेंटल एंड पंचुअलिटी? तमन्ना मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? चलिए, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजडम? विजडम मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। फिर भी हम न्यू वर्ड्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए बेटे, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, सो नाउ यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिया, आप कह रहे हैं मैंने एक्टिविटी क्राइंग वगैरह की, बेटा अभी क्योंकि अभी सिलेबस हमारा बहुत पीछे चल रहा, सिलेबस मतलब हफ्ते में दो क्लास हमें मिली हुई है, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करना। आज देखिए कितना बड़ा चैप्टर था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्टिविटी के लिए भी टाइम निकालना। मैं फिर भी प्लान कर रही हूँ कि कुछ एक्टिविटीज को मैं करवाऊँ, और मैंने क्राइंग की बेटा एक्टिविटी दी थी, बट आप लोगों को समझ नहीं आई, आई लेफ्ट दैट, मैंने छोड़ दी, क्योंकि वो मैंने कहा था आपको, आपको जैसे शेडो है, आपको हाथ की इमेज बनाते हुए या कोई एनिमल की इमेज बनाते हुए आपको दीवार पे फोटो भेजा है, मैंने क्राइंग की एक्टिविटी दी थी, आप लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने वो छोड़ दी। फिर रॉबिन्सन क्रूसो और माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर आज हमने शुरू किया है, तो एक्टिविटी तो हम एंड में करते हैं ना बच्चे। रॉबिन्सन क्रूसो की मैं सोच रही हूँ अभी, और मैं आपको थर्सडे, तो मैं आपको अब आप क्या करेंगे बेटा सभी बच्चे, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, तो इस एक्टिविटी को, आपको एक एक्टिविटी है जो मैं आज पोस्ट कर दूंगी, कौन सी एक्टिविटी करनी है आपको, और आपको कोई क्वेरी होगी तो उससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ लेंगे। मैं शाम को 5 बजे तक आज एक एक्टिविटी डाल दूंगी, उसको आप समझ लेना, हम रॉबिन्सन क्रूसो की एक्टिविटी कर रहे हैं, और वही 15 अगस्त की हमारी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है? चलिए बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। बाय बच्चे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए, ठीक है? और इस चैप्टर को दोबारा आपको रीड करना, ठीक है? बाय बच्चे।